नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दूत। वास्तव में अपनी पहचान की मोहताज नहीं है श्रीमती संपतिया उइके। ग्राम पंचायत से लेकर लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था यानी राज्यसभा में सदस्य के रूप में 5 वर्ष गुजारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की विशेषकर आदिवासी वर्ग में महिला नेत्री श्रीमती संपतिया उइके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव में जहां केंद्रीय मंत्रियों को सांसदों को मैदान में उतार दिया है, बस उसी ही कड़ी में मैडम संपतिया को मंडला विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। संपतिया मैडम इस समय पूरे विधानसभा में विचरण करती हैं। समय का अभाव है, कुछ समय हमारे लिए भी उन्होंने निकाला है। हम सीधी बात करते हैं मैडम से कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं जनता के बीच में जाने के लिए। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करती हूं, और जिस विश्वास के साथ मुझे प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं जनता के बीच में जाती हूं और जनता की जो मुद्दे हैं, जनता की जो बात है, उसको मैं सुनती हूं और वो बात में रखती हूं। जिस तरह से मुद्दे की बात आप करते हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने लगातार अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए इतने योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं को लेकर के हम गांव-गांव तक जा रहे हैं, घर-घर तक जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ के काम हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि रोजगार के लिए उद्योग होना चाहिए वो हम कराएंगे, अच्छे स्वास्थ्य होना चाहिए वो हम कराएंगे। उसके साथ साथ जिस तरीके से लोगों का पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी मुद्दों पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, बेरोजगार लोगों से बात कर रहे हैं और क्षेत्रीयता के लोगों से बात कर रहे हैं। पूरे विधानसभा में हम जा रहे हैं और जाकर के हमारी टोली जो बहनें हैं, बहनों के लिए जिस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना का लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों को सम्मान दिया है, उस बात को भी हम लोग जा कर के बहनों के बीच में रख रहे हैं। जिस तरह केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, आप भी उसमें शामिल हैं, आपको मैदान में उतारा गया है, तो ये डिमोशन नहीं है या वास्तव में इसकी जरूरत आन पड़ी थी? नहीं, जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उनका आदेश सर्वोपरि है। यदि वहाँ से कह दिया गया कि आपको ऐसा करना है, तो वो काम हम कर रहे हैं। और ये डिमोशन नहीं है, ये तो सेवा है। चाहे उस पद में रह करके सेवा करना हो या इस पद में रह करके सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, कल्याण करना है। बिल्कुल, राजनीति एक सेवा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पिछले 15-20 वर्षों से आप लोग सत्ता में हैं, समुचित विकास इस इलाके का नहीं हुआ है, आपका क्या कहना? नहीं, विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हम कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास की बातों को ही लेकर के चल रहे हैं। विकास हुआ है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों, गरीब कल्याण वर्ष के माध्यम से हो, हर वर्ग की चिंता करते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के, और आज हम उसी बात को लेकर के नीचे जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं लगता कि जो कभी कांग्रेस का वायरस था वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया? आपके परिवार में ही टूट फूट मची है, विद्रोही प्रत्याशी खड़े? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब हमारे भाई हैं, ये परिवार की बात है। और भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के तर्ज में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, ऐसा नहीं है। सब हमारे भाई लोग हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, और संगठन उनको सबको एक परिवार के गुच्छे की तरह सबको एक सजा करके रखी है, और संगठन से बाहर कोई नहीं जाएंगे। विद्रोही प्रत्याशी को बिठा दिया जाएगा, उसके बारे में संगठन सोचेगी, और मुझे, वो मेरे भाई हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते, पार्टी के साथ हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो आगे नेतृत्व पार्टी के करेंगे। आपको विश्वास है कि मंडला की तीनों सीट आपके पक्ष में जाएंगी? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है माँ नर्मदा पे और देवतुल जनता जनार्दन पे कि तीनों विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आप मंडला की जनता से अपील कर सकते? मैं समस्त मंडला विधानसभा के देवतुल मतदाता बंधुओं से अपील करती हूँ कि मुझे एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़े किए हैं। मैं अपील करती हूं कि सब लोगों का अमूल्य मतदान, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो मतदान भारतीय जनता पार्टी के इस सेवक प्रत्याशी को दें और मुझे विजय श्री दिलाएं, भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएं, ऐसा मैं अपील करती हूं। धन्यवाद।
श्रीमती संपत्ति अविके ने जहां वास्तव में सरकार की योजनाओं पर ही फोकस डाला है और उसके सारे ही चुनावी वैतरणी पार करने की बात कर रही हैं, वहीं मंडला की जनता से अपील कर रही हैं कि वे सरकार को और मजबूत करें, विशेषकर भाजपा सरकार को, और उन्हें विजयी बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।